हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही डिलीशियस सा बटर टी केक, वो भी ओल्ड फैशन स्टाइल में। सो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर रूम टेम्परेचर बटर है, जो कि अभी मैंने इसको 20 मिनट्स पहले फ्रिज से निकाला होगा। सो इट्स जस्ट लिटिल बिट सॉफ्ट। तो अब हम लोग इसको क्या करने लगे हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग बीट करेंगे कि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर कर इसको इतना बीट करेंगे कि ये बटर बिल्कुल लाइट कंसिस्टेंसी में आ जाए और थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। सो यहाँ पर पहले हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट बीट करना है। और फिर हम लोगों ने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देना है और हम फिर इसको इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। सो गाइस, ये वाला जो टी केक है, आई कैन गारंटी यू कि इसकी जो ये इस रेसिपी से बनता है बटर से, दिस टेस्ट सो अमेजिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग लाजमी इसे ट्राई करें। आप लोग जो बेकरी से ख़रीदते हैं केक, ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा या एग्जैक्टली बेकरी जैसा बनेगा एट लीस्ट। सो डू ट्राई इट आउट, ओके। सो यहाँ पर हम लोग इसको बीट अप करते रहेंगे इतना कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको वनीला एसेंस डालने के बाद 3 से 4 मिनट्स के लिए बीट अप करना है। उसके बाद हम लोग अपनी पाउडर्ड शुगर जो सी है वो इसके ना थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप लोग नॉर्मल शुगर को, अगर आप लोगों के पास मोटी वाली शुगर है तो आप उसको बस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, तो वो पाउडर्ड शुगर आप लोग यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास वो बारीक वाली चीनी है सो दैट कैन बी फाइन, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, लाइक 2 टेबलस्पून एट अ टाइम। फिर उसको थोड़ी देर 30 से 40 सेकेंड्स के लिए फ्लफ अप करो और फिर उसके बाद दोबारा से इसी तरह 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करते जाओ और उसको मिक्स करते जाओ। अच्छा, जो ही शुगर डालनी है तो डायरेक्टली मिक्सर स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि वो फिर उड़ने लग जाती है थोड़ी सी देर के लिए। उसको बटर के साथ इनकॉर्पोरेट करें और उसके बाद बीटर ऑन करें ताकि शुगर उड़े नहीं और बाहर ना जाए। देखिए यहाँ पर उसका टेक्सचर हल्का हल्का लाइट होने लग चुका है मक्खन का, वो बिल्कुल हार्ड वाला टेक्सचर नहीं रहा है। इसी तरह हम लोग शुगर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्सअप करते जाएंगे और साथ ही बीट अप करते जाएंगे। इसके अंदर तकरीबन आप लोगों के 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसको टोटल करते हुए। सो नॉर्मल हैंड बीटर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता होता है, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर हो तो उससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके ऊपर तो 3 से 4 मिनट्स के अंदर सारी की सारी शुगर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, बटर फ्लफी हो जाएगा। तो हम लोग हैंड मिक्सर से कर रहे हैं। बाय द वे, आप लोग इसको उस दूसरे वाले हैंड विस्क से भी कर सकते हो, लेकिन उससे और ज़्यादा मेहनत लगेगी और बाजू भी थक सकता है आपका, बट काम हो सकता है, केक बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने रूम टेम्परेचर ही एग लेने हैं, एग्स ठंडे नहीं होने चाहिए आप लोगों के। अगर फ्रिज में थे तो आप लोग उसको 20 से 25 मिनट्स के लिए पहले बाहर निकाल कर रख दो ताकि वो थोड़े से गर्म हो जाए, और अगर फ़ौरन चाहिए तो आप उसको एक दफ़ा गर्म पानी में से थोड़ी देर के लिए निकाल लो तो रूम टेम्परेचर हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने एक एग डालना है, फिर उसको बीट अप करना है और फिर उसके बाद अगला एग डालना है। एक एक करके हमने एग्स को इनकॉर्पोरेट करना है अनटिल के हमारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए, सारी की सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विड ही होगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसके अंदर फ्लावर ऐड नहीं किया है, जब से एंड पे हम लोग फ्लावर ऐड करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 3 eggs डाले हैं डायरेक्टली, और आप लोगों ने भी eggs इसी तरह अलग अलग निकाल कर डालने हैं, बिकॉज अगर कभी गलती से अगर कोई ख़राब egg हो जाए तो वो डायरेक्टली आपके सारे बैटर में चला जाएगा और आपका सारा बैटर ख़राब हो सकता है। सो इसलिए आप उसको पहले किसी छोटे बोल में निकाल लो और फिर उसको ऐड अप करो अपने केक बैटर के अंदर। हम लोग बोल की सारी साइड साफ़ करते जाएंगे साथ साथ ताकि सारा का सारा बैटर मिक्सअप हो सके। अब हम लोगों ने अपना फ्लावर ले लेना है। सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। आप लोग इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हो और हाफ़ भी कर सकते हो, ओके। अगर बड़ा केक बनाना है तो आप इसको डबल अप कर लो और फिर उसको 2 में बना लो, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 1 में भी सही रहेगा।
खैर यहाँ पे आप लोगों ने फ्लावर डाला और फिर उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। अच्छा याद रहे कि आप लोगों ने लाजमी 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 इसको आप लोगों ने सिफ्ट ज़रूर कर लेना है। तो इससे होगा ये कि एक तो आपके केक में लम्स नहीं आएंगे बिकॉज़ फ्लावर के अंदर जो भी लम्स वगैरह हैं वो सिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप जितना ज़्यादा फ्लावर को सिफ्ट आउट करके डालते हो उतनी ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है आप लोगों के केक्स में, तो वो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है कि आपका केक बहुत ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने सिफ्ट लाजमी करना है हमेशा केक्स के अंदर। सो अब हम लोगों ने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं अपना फ्लावर और बेकिंग पाउडर डालने के बाद। एट दिस पॉइंट आप लोगों को शायद लग सकता है कि आप लोगों का मिक्सचर थोड़ा सा थिक है, तो अगर आप लोगों को लगे कि थिक है तो आप लोग 1-2 टेबल स्पून तक मिल्क अपना ऐड कर सकते हो। बिकॉज़ ये इसलिए हो सकता है कि कभी कभार आप लोगों के एग्स छोटे या बड़े हो सकते हैं, सो उसकी वजह से आपका मिक्सचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लाइक ठीक है। यार यहाँ पर अब हम लोगों का मिक्सचर बिल्कुल कंसिस्टेंसी परफेक्टली फाइन है, तो अब हम लोग अपने बेकिंग डिश के अंदर जिसको हम लोगों ने पेपर से लाइन किया हुआ है और ऑयलिंग की हुई है तो उसके अंदर हम लोग अपना मिक्सचर डालने लगे हैं। और फिर अब हम इसको बेक करेंगे पतीले के अंदर फॉर 30-35 मिनट्स एट मीडियम टू लो फ्लेम। और अगर आप लोग इसको ओवन में बेक कर रहे हो तो आप लोगों ने इसको 25-30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको बेक करना है। और अब हम लोग अपने केक को बिल्कुल प्लेन आउट कर रहे हैं। इस स्टेप पे आप लोगों ने अपने स्पैचुला को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, बिल्कुल वॉश आउट करके ड्राई आउट करके फिर करना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा तो वो फिर प्लेन नहीं हो पाएगा। और फिर एंड पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेन करने के बाद हम लोग अपने स्पैचुला को अच्छे से साफ़ कर उसको पानी में डिप करके दरमियान में एक इस तरह लाइन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इवनली ऊपर से बेक होगा और इक्वली फूलेगा। सो मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया, आप इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ भी रख सकते हो। एट दिस पॉइंट हम लोग इसको चेक कर सकते हैं किसी नाइफ या टूथपिक से, अगर क्लीन आता है तो दैट मीन्स अवर केक इज़ डन। एंड आप लोग इसको अगर पतीले में बना रहे हो तो ऊपर से इतना अच्छा कलर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग ओवन में कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर से एंड पे आप लोग इसको ग्रिल आउट कर सकते हो तो वो ऊपर से भी हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इवन कलर आएगा। बट टेस्ट में चाहे आप उसको पतीले में करो या ओवन में, टेस्ट में ये बहुत ही डिलीशियस होगा और एक जैसा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बटर से बनाया है इसलिए इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी जैसा होगा। एंड आई किड यू नॉट कि ये बिल्कुल ही बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसे लाजमी ट्राई करें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की नई वीडियोज़ बनाकर लाती रहा करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।